हेलो एवरीबॉडी, आई विश कि आप सभी ठीक हैं। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में किया था, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इसके अंदर है, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी की पावर एन का। कल हमने सिर्फ एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन किया था, आज हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एक्स है। तो उसमें भी हम सेम वैसे ही रखेंगे, थोड़ा सा चेंज है, ए एक्स की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन सेम, और नीचे भी एन प्लस वन। उसमें हम सिर्फ x की पावर को x की पावर n बाय n करते थे, और इसमें हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, a को हम इंटीग्रेशन के अंदर नीचे लिखते हैं, यानी कि डिवाइड में। जैसे कि हम डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, वैसे इंटीग्रेशन के अंदर हम डिवाइड में लिखेंगे, और सब कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे कि इंटीग्रेशन हमने करना है 7 प्लस 3x की पावर माइनस ऑफ 5 ऑफ dx। मान लो आपने इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है 7x प्लस में 3 की होल पावर माइनस ऑफ 5। कल हमने किया था x की पावर का, x की पावर n का इंटीग्रेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 सेम। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे लिए ये पूरी स्टेटमेंट की पावर n है, n मतलब कि माइनस 5 दे रखा है, तो सेम 7 प्लस में 3x की होल पावर माइनस 5 प्लस में 1। क्या करते हैं, माइनस 5 के अंदर मैंने 1 प्लस की है, उसमें भी वही चीज होती है, n प्लस 1 करते हैं, नीचे भी वही माइनस 5 प्लस में 1, और सम कांस्टेंट क्या करेंगे, c करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, हमने माइनस 5 प्लस में 1 किया है, नीचे भी माइनस 5 प्लस 1 किया है। एक चीज और, x का जो कोफिशिएंट है उसको हम नीचे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है x का कोफिशिएंट a था, उसको डिवाइड में लिखा, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो यानी कि ये नीचे वाले से तो मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या आएगा, 7 प्लस में 3x की पावर हो गया माइनस 4, और नीचे भी माइनस 4, साथ में क्या है, 3 है, सम कांस्टेंट c। अब ऊपर जो है माइनस 4 है, अगर नीचे लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेम हम नीचे ले आते हैं, 7 प्लस में 3x नीचे आ गया 1 अपॉन में, होल पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब क्या है, 3 4 जा 12 हो गया, और नीचे मल्टीप्लाई में हमारे पास 12 भी है, ये माइनस का साइन जो है मैंने बाहर लगा दिया, सम कांस्टेंट c होगा, ये आपका आंसर है, क्लियर। बस हमने क्या किया है, माइनस 5 के अंदर 1 ऐड करा है, नीचे भी वही, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में लिखा, तो यहाँ से माइनस 5 प्लस 1 किया तो माइनस 4, उसको होल स्क्वायर पावर 3 से जो यहाँ 3 दे रखे उससे मल्टीप्लाई करके हमने आंसर सॉल्व कर दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हम करेंगे 1 बाय में 3 प्लस 2x ऑफ dx। अब हमारे पास ये है, सेकंड फॉर्मूला देखो, 1 बाय में जब ax प्लस b दिया होता है, 1 बाय में ax प्लस b दिया होता है, अब यहाँ भी वही चीज है, 1 बाय में 3 प्लस में 2x दे दिया, तो जब नीचे 1 बाय x होता है, मैंने कल पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब नीचे x होता है तो उसको हम log में लिखते हैं, तो सेम log 3 प्लस में 2 ऑफ x, log 3 प्लस में 2 ऑफ x, और x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, उसको मैं डिवाइड में लिखूंगी, और सम कांस्टेंट c हो गया, ये आपका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमने 1 बाय में 2 माइनस 3x प्लस 1 बाय में अंडर रूट 3x माइनस 2 ऑफ dx, ठीक है, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 2 माइनस 3x प्लस में 1 बाय में रूट ऑफ 3x माइनस में 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ध्यान देना, इसके अंदर हमारा 1 बाय में x नीचे है, मैंने पहले भी बताया था कि जब a x प्लस b फॉर्म नीचे होती है तो हम उसको log में लिखते हैं, तो इसका इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log of 2 माइनस में 3x, और x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या है, 3,
लेकिन 3 के आगे माइनस का साइन है, तो हम नीचे क्या लगाएंगे, माइनस 3। मतलब कि नीचे वाली इक्वेशन को 1 बाय में x जब इक्वेशन दी होती है तो उसको लॉग में लिखते हैं और x के कोफिशिएंट को हम नीचे लिखेंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 3 है, उसको मैंने नीचे लिख दिया माइनस 3 को। अब यहाँ देखना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब वैसे तो ये भी नीचे ही है स्टेटमेंट 3x माइनस 2, बट उसकी पावर रूट का मतलब होता है 1 बाय 2। तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। पावर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, नीचे हो गया 1 बाय 3x की पावर, 3x माइनस 2 की होल पावर है 1 बाय 2, ये चीज है। अब 1 बाय 2 को पहले मैं ऊपर लेके जाऊंगी, ऊपर लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही चल रही है सेम, तो 3x माइनस 2 की होल पावर क्या होगी, माइनस 1 बाय 2 होगी। अब हम कर सकते हैं इसको, ये एक तरह से x हो गया, x की पावर n है, क्या करते हैं x की पावर n के लिए, x की पावर n प्लस 1 प्लस में 3x माइनस 2 की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। और मैंने बताया था कि x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 को हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे, लिख दिया सम कांस्टेंट c हो गया। ये स्टेटमेंट हमारी वैसे ही चल रही है सेम, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो है पहले ही हो चुका है। अब इसका क्या होगा, प्लस में 3x माइनस 2 की पावर आ जाएगी, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा 1 बाय 2, नीचे हमारे पास क्या है 1 बाय 2 इंटू में 3 बचा हुआ है सम कांस्टेंट c, और इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, लॉग ऑफ 2 माइनस 3x बाय में माइनस ऑफ 3 प्लस सम कांस्टेंट c, दैट्स आंसर हो गया आपका, क्लियर। क्योंकि यहाँ तो हमें x जो है नीचे दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट लॉग वाला फॉर्मूला लगा दिया और x का जो कोफिशिएंट था उसको नीचे लिख दिया। उसके बाद इस वाले में हमारे पास माइनस 3x माइनस 2 था, लेकिन उसके ऊपर रूट था, रूट का मतलब होता है 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 को मैं ऊपर लेके गई ताकि वो माइनस 1 बाय 2 हो जाए। फिर उसमें हमने x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, और x का जो भी कोफिशिएंट है 3 है उसको मैंने नीचे लिखा, प्लस में c हो गया, दैट्स सॉल्व है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1 बाय में एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस में 9 ऑफ dx, ठीक है। अब आप यहाँ देखो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, जिसमें हम क्या कर रहे हैं 1 बाय में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ऑफ dx, इस फॉर्मूले को हम आंसर इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1 बाय में a, यानी कि a का स्क्वायर होना चाहिए और a को हम 1 बाय में a लिखेंगे, टेंजेंट की पावर माइनस 1, माइनस 1 को हम बोलते हैं टेंजेंट इनवर्स, क्या बोलते हैं टेंजेंट इनवर्स, इनवर्स इन वी ई आर एस टी इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स x y में a, यहाँ जो आपकी x की वैल्यू होगी y में a सम कांस्टेंट c प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देना इंटीग्रेशन 1 बाय में x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, यानी कि मैंने क्या करना है 9 को, 9 मेरे लिए एक तरह से a की वैल्यू है जिसको मैंने क्या लिखना है स्क्वायर में लिखना है, तो मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, मैंने 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, x आगे है पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमने क्या करा a को स्क्वायर में लिख दिया। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे 1 बाय में a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाय में a, a की वैल्यू क्या है हमारे लिए 3 है, a की वैल्यू क्या है 3 है, और आंसर में क्या होएगा टेंजेंट इनवर्स x, x तो हमारा x ही है बाय में a, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, ध्यान से देखना दोबारा कि हमने 9 को 3 स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 2 लिखा और ये हमारे लिए a है, a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 होगी, 1 बाय में a टेंजेंट इनवर्स x बाय में 3 प्लस सम कांस्टेंट c हो गया। अगर आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे इन्फानेट विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।